मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में पुलिस के उच्च अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक से ऊपर स्तर के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में सीएम शर्मा ने अधिकारियों से परिचर्चा के बाद कानून व्यवस्था पर चर्चा की। बैठक शुरू होते ही सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हाल में प्रदेश में अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, खासकर संगठित अपराध। पुलिस राज्य में चल रहे संगठित अपराधों को सख्ती से खत्म करे, वहीं गैंग्स और गैंगस्टर भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, इन्हें भी पुलिस पूरी तरह से कुचलने का काम करे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि महिला सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात में गश्त बढ़ाई जाए और गुंडागर्दी कमी लाने पर जोर दिया जाए। महकमे में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार खत्म हो, यही नहीं महकमे के जो लोग भ्रष्टाचारियों का सहयोग करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाए। प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए भी सीएम ने अधिकारियों को उचित कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए और संसाधनों की जरूरत हो तो उन्हें भी बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, मुख्य सचिव उषा शर्मा, गृह सचिव आनंद कुमार सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएमओ पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों ने सीएम शर्मा का फूलों के गुलदस्ता देकर स्वागत किया। अधिकारियों ने सीएम को अपना परिचय भी दिया। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़।